नमस्कार, न्यूज प्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक रहे आलोक बेनीवाल प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर भाजपा में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भाजपा में शामिल होने पर दुपट्टा पहनाकर बेनीवाल का अभिनंदन किया। इस अवसर पर बेनीवाल के साथ उनके हजारों भाजपा में सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर विधायक बेनीवाल ने बताया कि वे शुरू से कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता रहे। 2018 में भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। कार्यकर्ताओं के आग्रह पर निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीतकर कांग्रेस पार्टी का बिना कोई शर्त के पूर्ण समर्थन किया। पालिका पंचायत समिति बोर्ड की कांग्रेस के बनवा सरकार के संकट मोचन बने रहे, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया गया। कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए भाजपा में शामिल हुए हैं और कांग्रेस की दुर्गति उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। भगवान श्री राम के लिए अनाप शनाप बयानबाजी की गई। भगवान राम हमारे संस्कृति, हर भारतीय के मन में, हमारे कण कण में बसे हुए हैं और अंतरात्मा की आवाज से भाजपा में शामिल होने का फैसला किया है। पार्टी से जुड़ाव रहा आज भाजपा ज्वाइन? देखिए, हम तो राजनीति में सेवा के भाव से आए हैं और निश्चित रूप से जो सेवा का भाव रहा है सदा से हमारा, हमने हरदम पूरे अपने राजनीतिक जीवन में सिर्फ आम जनता के विकास की, आम जनता के दुख सुख की बात करी है और निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने जो पिछले 10 साल के समय में इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जो आप सरकार आई है, काम हो रहा है, तो हम भी चाहते हैं कि उसमें जो जनता के काम रह गए हैं उस काम को हम पूरा कर सकें। और ये तो सेवा का भाव है और जिस सेवा भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी लग रहे हैं इस देश के अंदर और साथ ही, तो इसलिए मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि मैं तो इसके अंदर आम जनता की भावना को देखते हुए और आम जनता की जो अपेक्षाएं हैं उसको पूरा करने के लिए आज शामिल होने जा रहा हूं। नई टीम में सर किसी को टिकट नहीं है? अचानक ये बाद में बात को लेकर कुछ तैयारियां अगर कोई पार्टी आप